अगर टहलना है साथ साथ में चलो। यार ये चप्पल बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। तुम चलते नहीं दौड़ते, हम टहलने निकले तो क्या अब चलोगे? अपने मतलब की बेमतलब की बातें तुम करते हो। ये मतलब की बातें मैं करता हूँ। क्या सोच रहे हो, कुछ बातें करो ना। ना बाबा कामा का झगड़ा होने लगता है। ऐसा क्यों, औरों के साथ तो हम कितने मजे से कितनी सारी बातें करते हैं। पता नहीं क्या वजह है। वजह मैं बताऊंगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। असल पत्नी के साथ बातें शुरू करते ही हम झट व्यक्तिगत बातों पर उतर आते हैं। पर अगर पति पत्नी में भी व्यक्तिगत बात ना होगी तो कहाँ होगी व्यक्तिगत बात। परसों भी तुमसे हम दोनों एक ही तरह की बातें क्यों करते हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। हम कुछ और बात क्यों नहीं करते? और क्या, और क्या हाल चाल? इतना फिजूल का वक्त नहीं है मेरे पास। पता है तुम्हें मेरा साथ पसंद है, वैसे पसंद तो मुझे भी। क्या अगर कहने लायक बात ना हो तो? ये कहना कि हिम्मत नहीं है। आप में है हिम्मत, रोज बाहर से घर में घुसते ही चिल्लाएंगे फला ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, वो इतना झूठा है। अरे बाहर की उस दुनिया से तुम्हें सामना करना पड़ेगा तब तुम्हें पता चले। ऐसे लोगों के बीच जाते क्यों हो? क्योंकि इन्हीं लोगों से काम पड़ता है। छोड़ दो ऐसे काम, कहना आसान है। तुमसे कहते क्यों नहीं, ये हो तुम, ये हो ऐसे, ऐसे हो तुम। टहलना है या घर चले? औरों के सामने तो खूबसूरत सा मुंह बनाए रखेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे और घर में घुसते ही शून्य में तीर चलाएंगे। हमारी सरकार, शासन व्यवस्था, झूठ पाखंड, भ्रष्टाचार, वही मैं जा रहा हूं। जाओ ना। जाएंगे कहीं नहीं, आखिर जाएंगे कहां? हम दोनों यूं ही चले जाते हैं फिर वही पास लौटने के लिए। जब हमारी शादी हुई तब हम ऐसे नहीं थे। सुनिए एक बात, सुनिए आप भी सुन लीजिए, ये शादी मैंने इनसे नहीं, इन्होंने मुझसे की। मैं तो यूं ही 20-21 साल की थी, बीए करके वोकल म्यूजिक में दिन रात रियाज करती, बागेश्वरी शंकरा यमन मेरे प्रिय राग थे। मेरे पिताजी पॉलिटिशियन है, वो जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। मतलब आपको
आपको एक अच्छी खासी पत्नी की तलाश है। आप पूरब की लगती है? लखनऊ की। अरे मैं भी कानपुर का हूँ। आयस तो अभी का आयस है? आप श्रीवास्तव, मैं सक्सेना। मगर इन सब बातों में रखा क्या? सोचे ना, आदमी चांद तक पहुंच गया, आपको बोर तो नहीं कर रहा? पता नहीं, आपसे इस तरह बातें करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दरअसल आप गाती बहुत अच्छा है, मैं भी गाता हूँ। दरअसल तुम तो बस बस, दरअसल बात ये नहीं, बात ये है कि आपके फादर क्या है? नहीं क्या? क्या बात करती है? आपके डैडी आईएएस हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुरादाबाद, और ये आपके अंकल का मैं। अच्छा, और? दरअसल बात ये है कि ऐसा है, मेरे पिताजी, आप कीजिएगा हम डैडी नहीं, वो मुझे बेतरा तरीके से तंग कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। रोज कोई ना कोई लड़की वाला, एक से बड़े एक रिश्ते। बताइए भला ऐसे लड़कियों से कौन शादी करे? शादी एक निजी व्यक्तिगत चीज है, जिसमें दो आत्माओं का मिलन, जिसकी बुनियाद हो प्रेम, जिसमें पति पत्नी का नियंत्रण ग्रोथ हो, विकास, वही विकास तो समाज का विकास है। अब आप मुझे वाकई वो चल रहे हैं। पता नहीं क्यों स्त्री से शादी करके लोग उसे धर्म पत्नी बना देते, मैं कहता हूं उन्हें दोस्त क्यों नहीं बनाते। अच्छा जी, नमस्ते। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ऐसे बेबुनियाद शादियां नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा, शादियां माने शादी। जा रही है? जाना चाहिए, यही तो मुसीबत है। अब जाना चाहिए, अब खाना चाहिए, अब सोना चाहिए, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे माफ करना चाहिए? अरे ऐसी कौन सी गलती होगी बता दीजिए। आप बुनियादी तौर पर बोर हैं, जिस लड़की पर भी कृपा से शादी करिए। अच्छा सुनो, अब सच कहने का वक्त आ ही गया है, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपसे। बस छोड़ दे, जाओ।
नाम लेकर मुझे चिढ़ाना चाहती हो? क्यों, इतना अच्छा नाम तो है, श्रीमती आनंद। ठीक है, चिढ़ाती रहो। ठीक है, चिढ़ते रहो। जनाब, कुछ बातें जरूरी, पर सवाल ये है उसे कैसे कहा जाए। अब जैसे कि मुझे पता है वो मुझसे काफी दूर नहीं गई और मैं अपनी बातें आप सबसे अपना समझकर बता देना चाहूंगा, पर कहां से शुरू करूं? पहले छींक लेता हूं, शायद इसी तरह मेरी बातें। देखा, ऐसा ही होता है, सही वक्त पर छींक भी नहीं आती। अरे मैं बहुत ही सरीफ दिल का आदमी हूं, पर वो कहती है मैं नहीं। अरे मैं निसंकोच कहता हूं, पुरुष का लक्षण है हर एक चीजों की पूर्ति चाहे जैसे, पर वो कहती है ये गलत है। अरे मेरे ख्याल में हमने जितना कुछ साहित्य पढ़ा है वो काफी नहीं है, आप तो जानते ही हैं सब बातें पुस्तकों में नहीं लिखी जाती, खास करके हमारी निजी समस्याओं पर कतई विचार। सुनिए, कोई जरूरी है तुम्हें हमेशा इसी वक्त छींक आए? सारा चौपट कर दिया, मेरी छींक यहां से लेके यहां तक पहुंच चुकी थी। अब तो नहीं आ रही। अरे आएगी क्यों नहीं, मेरी इच्छा जो है। बारे तेरी इच्छा। जनाब ये चक्कर बहुत दिनों से चल रहा है, यूं समझिए शादी के पांचवें महीने से। मैं उस दिन के लिए एक सुंदर सा उपहार ले आया। नहीं चाहिए यो भाग।
बताइए भला इन छोटी छोटी बातों में क्या रखा है? क्या कहूं, किससे कहूं, तुम्हें इतनी बातें घुमड़ती है कि पूछिए नहीं। अब तो पूरे 8 साल हो गए। मेरे दिल में गुब्बारा उठता है और मुझे बुरा आइडिया चला जाता है। जी चाहता है उसे फोड़ दूं। अरे मेरे पास ताकत है, साधन है, पर इनकी सहेली मिसेस आनंद माफ कीजिएगा, वो मुझे भी पसंद है। वो कहती है मुझमें हिम्मत नहीं। अब देखिए ना कमाल, बिना हिम्मत के इतनी कमाई हो सकती थी? बेकार छोटी छोटी बातों में फंसे, बड़ी बातें सोचनी चाहिए। स्वतंत्रता, लाभ, इच्छा, पुरुषार्थ, नहीं तो तरक्की कैसे होगी? स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लाभ, इच्छाओं का पुरुषार्थ, आखिर निजी जीवन क्या है? आपके अलावा और यहाँ क्या है? क्यों निजी जीवन बिताने का अधिकार दूसरों के हाथ में देते जा रहे हो? वे चारुताएं, मानवीय गुण, प्रेम और दया लुप्त होती जा रही है। देवतुल्य तुम, हम सब रेवड़ के पशु पक्षी बनते जा रहे हैं। मेजर, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर आऊंगा, यही तो पुरुषार्थ है। किस लिए बोलो? ओ अकेले हो? क्यों हो अकेले, बोलो। चलो आओ, हाथ पकड़ो, आओ। अरे आओ, वो चीज मुझे पसंद है वो मेरी है। पसंद का संबंध इच्छा से, इच्छा प्रकृति का गुण है। इच्छा को रोकना मतलब प्रकृति के उसूलों के खिलाफ, इससे खामखा तनाव पैदा होता है और अनेक मानसिक समस्याओं के जाल में फंसना होता है। इससे मनुष्य का विकास रुक जाता है, मनुष्य अकेला है। मिसेस आनंद इसे नहीं समझती, पर मैं समझता हूं, क्योंकि मुझे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना पड़ता है। ये मेरा निजी अनुभव है। क्या बातें कर रहे हो? केवल तुम्हारा भ्रम है। ऐसा क्यों? तुम्हारी प्रकृति, स्वभाव, नेचर। ये बेमतलब की हंसी मुझे कतई पसंद नहीं है। क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें करती हो माय डियर। जिंदगी छोटी छोटी बातों से ही बनी है माय डियर। इतनी तेजी में क्यों रहते हो? हमें समय के साथ चलना पड़ता है। पहुंचना कहाँ है? हर वक्त परेशान रहते हो। और तुम? मुझे भी परेशान रहना पड़ता है। हमें आगे बढ़ना ही है, चाहे जैसे। सब कुछ मिलना ही चाहिए, चाहे जैसे। अरे सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, चाहे जैसे। आप तो जानते ही हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं। जब पति अपने आप को स्वतंत्र मानता है, तब पत्नियां उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर, सीआईडी का दरोगा लगती है, और पति उन्हें चोर, डाकू, चक्का लगते हैं। अपनी पर्सनल बात बताओ। शादी से पहले मेरे दिल में सिर्फ एक पुरुष हुआ करता था, साथी, प्रेमी, जिसके साथ जी सकूं, विकास करती जाऊं। फिर शादी हुई तो इनसे, फिर शादी के बाद मेरे दिल में उस पुरुष की जगह दो स्त्रियां आ बैठी, एक मैं और दूसरी श्रीमती आनंद। वो कहती है मैं ना तो संपूर्ण है ना ही स्वतंत्र। छे उनकी बातें समझ में नहीं आती,
इनकी बातें तो मुझे और भी समझ में नहीं आती, ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये मुझे बेहद चाहते हैं, पर क्यों, किस तरह चाहते हैं, ये मुझे प्रभावित किए रहना चाहते हैं, पर पति पत्नी के रिश्ते में इसकी क्या जरूरत, मेरे लिए ईमानदार है, पर लगता है जैसे हर वक्त मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आखिर मुझसे इतनी चतुराई क्यों, मेरी आदत है, संस्कार है, छोटी छोटी चीजों को भी महत्व देती हूँ, के लिए छोटी मोटी चीजें कोई मायने ही नहीं रखती, आ जाने इनकी नजर कब कहां से कहां दौड़ जाती है, उस दिन तो मारिए मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि आदमी अपने लिए कुछ भी कर सकता है। दिल से दिल मिल रहे हैं तो चाहिए फिर इस दिल को प्यारा, जादू है दीवारों का जिसने हर दम को दिया हुआ, कोई धक्का या कोई आवाज़ अच्छी लगी सुनी चामी, क्या करते हो आज, भोली भाली प्यारी सी क्यूट लग रही हो, तो क्या मैं रोज नहीं रखती थी, बात क्या है, ये लो अपना अपॉइंटमेंट, क्या एक फर्स्ट क्लास नौकरी, thank you.
यस प्लीज ये लो चाय। अरे नौकरी, अरे वो तो कभी की छोड़ दी जी। हाँ हाँ बिजनेस शुरू किया है। अरे भाई शुरू शुरू में आप तो जानती है, हाँ हमें तो हर एक चीजों के बारे में पता है जी। नहीं नहीं अगले शनिवार को हांगकांग जा रहा हूँ, फिर टोक्यो होते हुए न्यूयॉर्क। वो डायरी लेके आना, अभी तक चाय जल्दी ले आना, पी स्मार्ट। चाय तो खत्म कर लूँ। समझती क्यों नहीं, वक्त नहीं है। हेलो, अरे वो प्राइवेट सेक्रेटरी को डायरी ले दे सर। दफ्तर बनाऊंगा ना, लेकिन अभी बंगले से है ना, एक प्राइवेट सेक्रेटरी है, एक रिसेप्शनिस्ट है। खड़ी हो। हेलो, हाँ नोट कीजिएगा, अगले महीने के 13 तारीख को आपसे मुलाकात लंदन में हो सकती है। क्या कहा, आज? नहीं नहीं वक्त तो नहीं है, देखिए कोशिश कर सकता हूं, देखिए वादा नहीं कर सकता और इंतजार तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पता है ये आदमी कौन था? नहीं। के कपूरिया मुझे फाइनेंस करना चाहता है, ब्लैक को व्हाइट करना चाहता है। और अब चाय के बारे में क्या ख्याल है? चाय गर्म होनी चाहिए और तुम्हारी हाथ की बनी होनी चाहिए। क्या चाय बनती हो तुम कुछ उदास करने लगी हो, क्या बात है? अरे भूलती क्यों नहीं हो? दरअसल तुम पुरानी बातों को भुला नहीं पाती हो, ये क्या आदत है? वैसे मेरा निजी विचार है। ये निजी विचार क्या? चाय के साथ नमकीन होनी चाहिए ना। निजी विचार है, जब अपना कोई विश्वास ही ना हो, चरित्र ही ना हो, तो निजी विचार क्या हो सकता है? एक बात ये भी तो है, हमें बचपन से सिखाया जाता है हमारे विचारों और कामों का कोई महत्व नहीं, इसीलिए तो हम औरों के काम करते हैं, औरों की जिंदगी ओढ़े चलते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कौन क्या था कौन क्या है। किसी के लिए मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूं, किसी के लिए रिसेप्शनिस्ट और किसी के लिए तो? किसी के लिए नहीं, मेरे लिए एक, मैं अभी को मेरे प्रिय, मेरी साथी, मेरे इंटेलेक्चुअल, मेरे धर्मपत्नी, मेरे खिलाड़ी, मेरे साथ युद्ध में लड़ने वाली वीर सेनानी। अब देखो खुश हो जाओ, मतलब इस वक्त मैं तुम्हारे लिए नमकीन बन जाऊं? अरे मैंने शुरू से सोच रखा था मेरे पत्नी में इतने गुण हो कि मैं घर आकर बाहर की दुनिया बुला सकूं। मसलन वो अच्छा खाना, चाय बनाए, बच्चों की आदर्श पत्नी। और वाह वाह मेरे पति में कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाई समाज में अपनी इमेज बनानी पड़ती है। पत्नी के सामने कैसी इमेज? पर मैंने ऐसा कब किया? मैं जो हूँ सो हूँ। तुम जो हो वो नहीं। तुम हो नहीं। देखो बहुत मुश्किल से तुम्हारा मुंह खुला है, बेहतर है कोई और बात करे। चुपचाप चाय पिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे मूड पे तो असर पड़ता है। पत्नी का स्विच क्या पति के हाथ में है, जब चाहे बटन दबा दे। तुम जरा से ज्यादा सीरियस हो जाती हो। आपकी क्या इच्छा है? अरे मेरी इच्छा तो कमाल है। यहाँ सब आपकी ही तो इच्छा है, आपका ही स्वार्थ। आप कब क्या कर डालो, कब मुझसे क्या माफ बैठो, कब मुझे क्या बन जाना पड़े। सुनो सुनो हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल टॉक कर रहे हैं। और कर भी क्या सकते, कोई और बात करे। मिसेस आनंद? नहीं 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 मिसेस आनंद नहीं, मिसेस मल्होत्रा। देखो ना उनके घर में कितनी ब्लैक मनी भरी पड़ी, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। चुप क्यों हो गए, वक्ते जाओ, इसका भी कोई अंत है? अरे हमारी हुकूमत ही ऐसी। हाँ हाँ ठीक है चलेगा। क्या चलेगा?
इससे बेहतर हुकूमत हमें नहीं चाहिए। We don't deserve। अरे ये गलत है। हम बाकी हैं। हाय हाय हाय, हमेशा मारते रहते हो। साढ़े आठ बज गए, तुमने बताया नहीं, एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट था मेरा। अरे मेरा रुमाल लेके हो गया? वही होगा। अरे मेरे टाई के साथ रुमाल भी तुमने देखा नहीं? दूसरी लेना। दूसरा का मतलब समझती हो? टाई बदलनी होगी, पूरा सूट बदलना होगा। इसके लिए वक्त क्या है? मुझे सिर्फ वही रुमाल चाहिए, सिर्फ वही। चीखा मत। अरे बिना उस रुमाल के तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ क्या ये मेरी आसुदा?
संगीत कहा गया। कैसी कैसी इच्छाएं भी तो है, मैं शांति भी चाहती हूँ और विद्रोह भी। शादी और नौकरी बोलो उनका मन और मेरा मन, उनका मन से सुनके में मेरा मन, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर। उन्हें श्रीमती आनंद कहती है, मैं और मेरा भी केवल व्याकरण का फर्क है। वो कितना अच्छा गाती है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके छोड़ दो, अपना ही बिजनेस देखो। अब बताइए वाला, मैं कहां कहां कितने काम करके थका मांदा घर लौटा हूं, उन्हें मेरे सामने होना चाहिए। बीबी का मुस्कुराता होता हुआ चेहरा, मैं ना जाने क्या क्या देखकर मेरा जी उग जाता है। लाइसेंस वाला काम नहीं बना। अरे मिस्टर मल्होत्रा ही आड़े हाथ आ गए, उन्होंने मुझसे ज्यादा चंदा दे दिया। बिजनेस में कोई किसी का दोस्त नहीं। वो इनकम टैक्स कमिश्नर, उसने भी सीधी मुंह बात नहीं की, उल्टा सीधा पकड़ने लगा, कहा यू पीपल आर करप्ट। उसने पीपल को करप्ट कहा, तुम क्यों परेशान? अरे उसकी ये हिम्मत, मैं भी सरकारी नौकर गजेटेड ऑफिसर हूं, मेरे पिता किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंपॉर्टेंट आदमी है, मैं कोई मामूली राम नहीं। तुम आज परेशान? जी करता उसे ऐसे छोड़ो, छोड़ो, चलो चाय पी। अरे उसने रेड करने की धमकी दी है। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर जैन, मिस्टर माथुर श्री खन्ना, क्या कभी रेड नहीं पड़े? हो जाओ मैं जाऊँ, वही मैं भी करूंगा, फिर कहूंगा है। तुम अपनी तुलना हमेशा इन्हीं लोगों से क्यों करते हो? मिस्टर आनंद को देखो। क्या रखा है मिस्टर आनंद ने? वही आइडियलिज्म, वही क्या लिखना, कुछ नहीं, वो नथिंग। तुम्हारे लिए अपने आप में वो है। क्या है? वही जो वो है। बकवास। सुनो, इनकम टैक्स कमिश्नर के हाँ तुम्हारा संगीत हो जाए, कैसा है? कोई बढ़िया सा बहाना बना लेंगे। मेरा सिर दर्द हो रहा है। चलो चाय पीते, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो बताना भूल ही गया, हौसला गया डिनर पार्टी में जाना है, और इसी शनिवार को मैं कॉकटेल डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताज होटल में। ये देखो ये इसकी लिस्ट। अरे जब सब यही करते तो मैं क्यों ना करूं? तुम्हारे एग्री करने से या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तमाम ऐसे काम करता हूँ जिससे मैं खुद एग्री नहीं करता। चाय नहीं पियोगे आज? चाय नहीं, आज ड्रिंक्स पीऊंगा। ड्रिंक्स तुम्हारे लिए जहर है, ब्लड शुगर पेप्टिक एसिड सब बढ़ जाता है।
देखो अपने पे बड़े ही खास डिनर के जाना है, तुम्हें तैयार हो जाओ, मेरा जी बहल। अब जैसे मैं व्यक्ति हूं वैसे ही मेरे बच्चे अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं होंगे उनका व्यक्तित्व कहां से आएगा? सबको अपनी अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है, मगर वो कहती है व्यक्ति है तभी तो लड़ाई है, तभी तो वो अकेला है। वो आदर्शों की बात करती है, मनुष्य व्यक्ति नहीं है, समाज का अंग है, वो मालिक नहीं है, वो हिस्सेदार है, वगैरह वगैरह। जो देशक लोग हैं, जो लेखक लोग हैं, वो ऐसी बात करे तो समझ में आता है क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं होता। मगर ऐसी बात मेरी बीबी करे, हर एक बात में डिसएग्री करे, बताइए बता इसका क्या उपाय? अरे उन्हें मैं कैसे समझाऊं? हमें मरना नहीं है, जीना है। ते वो कहती है ये भी कोई जीना है। अरे जीना और किसे कहते हैं? अरे मैंने इतनी तरक्की करी है और भी करूंगा, ये मेरी इच्छा है। क्या मैं अपनी पत्नी के संग नहीं जी रहा हूं? अरे मैं कितने रूपों में देखता हूं, एक में अनेक स्त्रियां। माफ कीजिएगा एक बहुत ही पर्सनल बात बता रहा हूं, एक स्त्री से जिंदगी नहीं कर सकती है। अरे सही सुना आपने, एक स्त्री से जिंदगी नहीं कर सकती है। मनुष्य प्रकृति से ही पॉलीगेमस है, बहु स्त्रीवादी, और इधर आर्थिक और सामाजिक दबावों में फंसकर वो मोनोगेमस, एक पत्नी वाला बनकर रहने लगा है। मैं जो अपनी पत्नी को इतने विविध रूपों में देखता हूं ना, वो इसलिए जो मेरे पुरुष रक्त में पॉलीगेमी कीटाणु है ना, शांत कर सकूं, अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जी सकूं। क्या हसीन लग रही हो? बीबी की बनी हुई पकौड़ी भी क्या चीज है? अरे मिर्ची पकौड़ी है। तुम्हें वैरायटी पसंद है ना? देखो अभी हमें मूड की रक्षा करनी है, बड़े ही खास डिनर पे जाना है। मूड की रक्षा डिनर पे? नहीं, पर जिसके लिए ये सारी रक्षा हो रही है वो मर नहीं रहा। डरते हो? पूरी खाओ। पकौड़ी के साथ चाय अच्छी लगती ना, मिर्च के पकौड़ी के साथ ड्रिंक्स होनी चाहिए। तुम कहते हो ना हमारे निजी जीवन में बातें नहीं है। है कोई बात? पकौड़ी के साथ चाय अच्छी लगती है, जैसे नौकरी के साथ शादी। पर संगीत में जो मेरी इतनी दिलचस्पी थी वो कहाँ गई? ऐसे क्यों हो गए? वो सारा विद्रोह, वो सारी विशेषताएं कहाँ चली गई? इतनी सारी चीजें एक साथ क्यों चाहती? जैसे वो मुझे कितने टुकड़ों में बांट कर देते। बाकी सारी चीजें इतनी बिखरी बिखरी, बाकी सारी चीजें मैंने सजाई थी, एक एक चीज अपने हाथों से। ये संस्कार मुझे मेरी माँ से मिला था। एक भूल चल गई है, उड़ क्या रहा है? क्या चीज है? कुछ पकड़ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। ये क्या कर रही थी? खेल ले लो, घर दबोच, लूट लो, मार दो। या तो खेल ले लो या हाँ आज हम वही पुराना खेल खेले, क्या बोलते?
पहले चोर कौन मरेगा? तो इसमें पन्ने की क्या जरूरत? चलो चुनाव करते हैं। ये मुमकिन है? हाँ, पकड़ पकड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तुम दरवाजा खोलो, जाओ देखो। खोलते हो कि नहीं? अरे कौन है आप? ऐसे कैसे चले? मुझे नहीं पहचाना, मैं गुंडा दादा। अरे कौन है आप, कहां से है? तू जो 2 नंबर के काम करता है ना, उसके प्रोटेक्शन फी लेने आया हूं। बदतमीजी है चौकीदार, दरबार देखो यहां पे कौन आ गया है। तेरे को बचाने कोई नहीं आने वाला। अरे कौन हो तुम, चाहते क्या हो? 20,000 रुपए तेरे जो प्रोटेक्शन के फीस है ना, वो जा ले क्या पटवर। हमारी रक्षा करता है, पुलिस को फोन कर। नहीं नहीं दे दे, दे, दे। वो हमारी रक्षा आप खुद करेंगे? ऐसा लगता है कि मेरा इंतजार हो रहा था। इधर पानी ज्यादा डाल दिया, ये लीजिए आगे दो। क्या है यार, स्वाद नहीं है इसमें। अब जाना। शाबाश, खबरदार पुलिस को खबर दी। तो क्या हुआ, कंपनी के खाते में डलवा देंगे? तो क्या करता उस गुंडे के मुंह लगता? हमारी रक्षा आप गुंडे करेंगे? देखो हमारे पास वक्त नहीं है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, सुरक्षित नहीं। आपको नहीं आएगा, पैसे लेके चला गया। तुम जाओ यहाँ। देखो हम शॉपट मत करो, वैसे भी पूरा दिन इसी तरह बीता है। अब सारा जीवन इसी तरह बीते, कोई ना कोई उपाय करूंगा। तुम कायल? अरे सबके उपाय है, छोड़ो भी प्लीज। चुप रहो। देखो हमने खेल शुरू किया था, उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। वो खेल क्या पूरा हो गया जब ये दरवाजे के बाहर हुआ? वो खेल जो तुम कपूरिया के साथ खेल रहे हो, वो खेल? अरे बोला ना जा रहा खेल पूरा करूंगा। अरे छोड़ो भी प्लीज। तो खेलते हैं
मनुष्य क्या करे? कुछ दिखाई नहीं पड़ता, छोटे में मेरा दम घुट रहा है। अरे मैं इधर हूं, ढूंढो मुझे, छुओ। पैर में कांच के टुकड़े कर रहे हैं, चारों ओर जैसे जाले बुन रही हो। आंखों में क्या लगता जा रहा है? अरे यहां पकड़ो बाबा, मजे लो ना, एंजॉय। तुम्हारा ही तो मनोरंजन है, इतना अच्छा लग रहा है। हर बात में दस दस चलते रहते हो, अभी तो इतना मजा आ रहा है। मेरी चाय, मेरा उद्देश्य, फैंटास्टिक। अरे आप अच्छा ठीक, खड़े हो, खड़े हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं। खड़े हो, खड़े हो, हेलो, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। आओ हाथ फैलाओ, आओ आओ आओ, रहने दे। वैसे भी हमें डिनर पार्टी पे जाना है, मुझे देरी हो गई। खेल अधूरा नहीं छोड़ते ना? मैंने कौन सा खेल अधूरा छोड़ा है? मैं सारा खेल पूरा करता हूँ। खेल में सचमुच एक नशा, वो तो है भाई। हाँ मेरी बात, इधर हो। अरे बोलती क्यों नहीं? अरे देखो बोलोगी तभी मैं पकड़ पाऊंगा। देखो ये फाउल है ना, गलत बात। ये किसकी चलने की आवाज आ रही है? क्या है मिसेस आनंद है? हेलो हेलो, नहीं नहीं इसी तरह चलो, छुओ मुझे। इतना अच्छा लग रहा है, क्या आपको छूने में जो मजा है? मैं क्या हूँ? दूसरी स्त्री, दूसरों की चीज अच्छी लगती है। हाँ हाँ बहुत अच्छी। बन लेते तो मुझे अमानत, जब तक है इच्छाएं मेरी, बन लूंगा फिर से मानव, जब होंगी इच्छाएं पूरी। हो जाने दो मुझे अनैतिक, जब तक वो उद्देश्य न पूरा। नैतिक हो जाऊंगा फिर मैं, जब ना रहेगा स्वप्न अधूरा। अरे आप इस तरह चुप क्यों हैं? आप सुन रहे हैं? इतना वक्त कहाँ है? इस खेल में कौन सा तुम है? ये कौन सी आत्मा का मनोरंजन है? इस खेल में कोई गुड़ नहीं। नहीं, गुड़ क्या होता है, कहाँ से आता है? अपने सहचरों के साथ जिस बंधन में हमें बंधना होता है, उसी से फिर मधुरतम मानवीय गुणों का विकास होता है। अपने सहचरों के साथ जिस बंधन में हमें बंधना होता है। सच में आपको पे पट्टी बंधते ही कितना रहस्यमय लगने लगता है। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ थी? खेल में मजा आया? ये पकड़ो, पकड़ो ना, जो मत कपड़ा फट जाएगा। ये फटेगा, मजबूत है। हेलो क्या कहा? तुम्हारे जूते गंदे हो जाएंगे। अरे ढीला मत करो, वहां से छूट जाएगा। देखो
रुमाल मैच कर रहा है ना? I love you. Thank you very much. क्या कहा? कुछ सुना ही नहीं दिया. हाँ ये शोर कैसा होने लगा? चारों ओर अंधेर खाता है. कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कुछ पर्सनल बातें कर सके. हमारे पास कुछ भी तो ऐसा नहीं. हमारे पास किस चीज की कमी है? जूते और रुमाल के अलावा हमारे पास और है क्या? आप बेसिक पैर बातें कर रही हो. चारों ओर धांधली है, झूठ, पाखंड, अन्याय, भ्रष्टाचार. इसी के खिलाफ जो जितना लड़ता जो जितना जुड़ता है जिंदगी से उतना ही है उसका सपना. क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो 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 हेलो. अपने चारों ओर के अन्याय के खिलाफ जो जितना लड़ता जो जितना जुड़ता है जिंदगी से उतना ही है उसका व्यक्तिगत. अरे तुम्हारी ये हिम्मत, ये सारा लग्जरी
ये सारा टाट बाट अब चुप भी करवा। सुनो, कभी हंस भी लिया करो। जब से हमारी शादी हुई 23 जनवरी 2015, तब से हमारे आसपास के शहरों में जितने कत्ल, बलात्कार, लूटमार, डाके हुए हैं, उन सब में हमारा ही हाथ है। जी करता है तुम्हारा, गला घोट दूं और खुद सुसाइड कर दूं। उसकी अभी जरूरत है क्या? अरे तुम समझती क्या अपने आप को? घबराइए नहीं कि भीतर पिस्तौल नहीं ताकेगी। अरे मैं अमाना बना तो सिर्फ मान बने रहने के लिए, नैतिक हुआ तो सिर्फ नैतिक बने रहने के लिए। कोई खुशी किसकी करोगे? मैं करूंगा। नहीं कर सकते, के लिए तेज धार वाली कोई चीज चाहिए। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं, यहाँ हर चीज में चमक है, धार है। यहाँ की हर चीज घातक थी जब तक हम उसे पार आ सके। इस और में तुम सुसाइड करोगे, छोड़ दो, टिटनेस हो जाएगा। कुछ ऐसा है भी तो नहीं जिससे मैं, यहाँ अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे जब कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मिस्टर राम तुमने नहीं किया। नतीजा क्या निकला? भूखे मरे, उनका बार बन हो गया। मिसेस आनंद उसको स्कूल से हटा दिया गया। फिर भी वो अपना काम कर रही थी। आदर्श को गाली मत दो, तो हम सब पागल हो जाएंगे। सब में जो अलग अलग पत्थर चुने हैं ना, वो हमें बैठने नहीं देंगे। अरे हमने इतनी बड़ी दावत दे रखी है, अब हमें चलना चाहिए। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं, तुम भी बदल डालो। अरे किन फिजूल के विचारों में पड़े रहती हो? ये विचार लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता? अरे जिनके हाथ में ताकत है तो एग्जीक्यूट। मनुष्य प्रकृति से ही आइडियल नहीं है, जब तक उन्हें किसी चीज का भय ना हो वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। अच्छे विचार से कहीं बेहतर है अच्छे कपड़े पहनना। आओ आओ। जब बगैर किसी विचार के ही काम करना है तो काम करना ही क्यों? हम बनते हैं, होते रहे, हम कंज्यूम करते, पैदा नहीं करते, हम भोगते, रचना नहीं करते। इतिहास साक्षी है, जिनके हाथों में ताकत है, हम विचार नहीं केवल कपड़े बदले जाते हैं। मेरी पर्सनल अलमारी की चाबी देखी हो क्या? कोई चाबी नहीं है। मेरा ख्याल है मेरी अलमारी की चाबी तुम्हारे अलमारी में। देखती हूँ। दरअसल चाबी गायब है, दूसरी चाबी लग भी नहीं सकती, अलमारी तोड़ी भी नहीं जा सकती। उसके अंदर बहुत सारी कीमती चीजें हैं जो टूट जाएगी। अब देखिए ना, वो अपनी अलमारी की चाबी ढूंढ रही है। और उनकी चाबी है मेरे पास। दरअसल गायब है मेरी चाबी, कहीं बाहर गुम हुई थी और हम खामा खा घर के भीतर ढूंढ रहे। अरे जब समस्या भारी हो और उसका अलग भीतर ढूंढे तो क्या होगा? जहां हम है वहां नहीं है, जहां नहीं है वही है। मेरी चाबी देखी है क्या? यही तो मेरा सवाल था। मेरा तेरा, तेरा मेरा, चलो बाहर चल, पार्क तक घूम चल। अरे हमने इतनी बड़ी दावत दे रखी है। फोन कर दो, कैंसिल, बाहर चलते हैं। मान दिया जा चुका है, बाहर कितनी धूल है देखो, ऊपर देखो। अरे चार ओवर देखने से फुर्सत मिले तब तो। तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही, तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही। बर्बाद करना चाहती हो ना तो बर्बाद हो गए। फोन कर दो, जाओ, जाते हो या नहीं? हमारे पास कुछ भी अपना नहीं। हाँ अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अब मैं इन्हें हर सवाल नहीं करने दूंगी। तो अगर इन्हें हकीकत का पता लग गया
तो ये सचमुच मेरे हाथों से निकल जाएंगे। सुनिए, चलिए निकलो बाहर, आओ चले। देखो मैं आगे बढ़ के वापस नहीं लौटूंगा, तुम चलो आगे। नहीं तुम। ठीक है, साथ साथ। कहाँ रह गई? हम अब पहले की तरह एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते। क्यों, कैसे, जैसे, तैसे, बस सवाल करते रहते हैं और बस यूं ही चलते चले जाते हैं। अरे मैं तुम पर जो भी थोपता चला गया तुम चुपचाप मानती चली गई। इसी वजह से तो मेरा संगीत मुझसे दूर हुआ। तुम हमेशा दूसरों की बातें करती हो। तुम नहीं करते दूसरों की बात, मिस्टर माथुर, मिस्टर खन्ना। अच्छा, नहीं करती मिस्टर एंड मिसेज आनंद? हमारे बीच में तकिया आ गया है, वो तकिया मिस्टर एंड मिसेज आनंद। तो क्या अब हम इस तकिये को हटा नहीं सकते? क्या हम कभी अपनी बात नहीं करेंगे? हमारी अपनी बात, हमारी व्यक्तिगत बात। करेंगे ना, मेरी बात, हमारी बात, तुम्हारी संगीत की बात, हमारी व्यक्तिगत बात। Thank you.
वेलकम सर। म्यूजिक डिपार्टमेंट की पूरी फैकल्टी में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद है। स्टूडेंट्स ने चाहे यहाँ पे कील भी लगाई हो उन सबको थैंक यू। और मैं आप पात्रों से परिचय करा दूं जिनको आप मैं और वो के नाम से तो जान रहते हैं कि नाम असल में क्या है। ये है अभिजीत कुमार, अपने आप को चरकू बड़ा कह रहा है। चरकू डिपार्टमेंट से सभी बच्चे आए हुए हैं, म्यूजिक से बच्चे आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत मेरी ओर से भी। और श्रावस्ती जी भी कुछ कहना चाहती है। एक्चुअली ये चरकू और आशुतोष ने मिलकर शुरू किया था ये जर्नी, उसके साथ हम फैकल्टी भी थोड़ा गाइड करते हैं। बट जो ये एक एग्जाम्पल है आज कि स्टूडेंट अच्छा काम कर सकते हैं, डिरेक्शन का काम कर सकते हैं, नॉट ओनली एक्टिंग। तो हमें उम्मीद है कि आगे जाके और भी स्टूडेंट्स आएंगे जो पैरेलली डिरेक्शन और डिजाइन का काम करते रहेंगे। तेजस कंटिन्यूअसली लाइट्स पे काम करता रहता है, जब भी उसको मौका मिलता है वो लाइट डिजाइन कर लेता है। सोनू कंटिन्यूअसली साउंड पे काम करते रहते हैं। सो इट्स नॉट, लेट्स नॉट फोकस ओनली एंड ओनली इन एक्टिंग, बिकॉज हाँ वो तो है ही, बट पैरेलली बहुत कुछ हम ये 3-4 साल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज सर। तालियों के बीच में अपनी एक छोटी स्मृति भारद्वाज मैं को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी कुछ अभी और भी आएंगे ना, लेकिन बहुत कम लोग दिखा पाते हैं।
बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। साक्षी ने बहुत मेहनत की होगी, दिख रहा था बहुत मेहनत की होगी, बहुत समय लगता है और बहुत ऑलमोस्ट लाइक अ गुड एक्टर शी एंड आई कांग्रेचुलेट हर फॉर दिस। काफी न्यू था, मतलब सोचा नहीं था कि म्यूजिक करने आई थी मैं यहाँ, कि थिएटर भी करूंगी। यहाँ के एक न्यू चीज मिली जब मैंने बलि और शंभू देखा, तब से एक उम्मीद थी अंदर से कि एक दिन करना है, तो आज वो पूरा हुआ, तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। सब कहते थे कि चलो तू ना टीचर के साथ कभी प्रोडक्शन नहीं करी, स्टूडेंट के साथ क्या करेगा वो कर लिया। Most importantly, the message many of us would have related to this many a time, हम लोगों ने relate किया होगा, especially women in the audience. कहना चाहते हैं मैं मानता हूँ ना कि सबसे कीमती चीज़ है वक्त। Thank you. देने के जंग खाई कौन सोसाइड करोगे, छोड़ दो।
कौन हो तुम, चाहती क्या हो? कोई ऐसी बात सिर्फ था कर सकती कुछ ऐसा है तो नहीं जिससे मैं अरे जब कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मिस्टर आनंद ने नहीं किया और नतीजा क्या निकला? भूखे मर रहे, उनका अखबार गम हो गया। मिसेज आनंद उसको स्कूल से हटा दिया गया फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। वो आदत से प्यार सब झूठ में माना है।